खुद से बनाई हुई? हाँ जी, अपने हाथ के बनाई हुई। और ये आ गया प्याज, ये प्याज, ये आ गया टिक्की। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कानपुर के नए वीडियो में आप लोग का वेलकम है। तो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं गोविंद नगर में और शॉप का नाम है दिल्ली पेट पूजा बर्गर पाव भाजी। तो यहाँ पेट पूजा भी होती है और बर्गर पाव भाजी भी मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं पहले आपको लोकेशन और उसके बाद चल के अंकल से बात करते हैं और देखते हैं आज यहाँ क्या हम लोग ट्राई करेंगे। फिलहाल तो पेट पूजा भी नाम है, तो पेट पूजा कैसे होगी ये शॉप पे जाके पता चलेगा। टाकिद के पास आपको शॉप मिलेगी। तो चलिए देखते हैं लोकेशन और उसके बाद चल के अंकल से बात करते हैं, फिर देखते हैं आज यहाँ क्या ट्राई करेंगे हम लोग। सो गाइस, चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन। तो शॉप की लोकेशन दिखाने से पहले शॉप का पूरा नाम बताते हैं आपको, दिल्ली पेट पूजा बर्गर पाव भाजी। और ये आपको गोविंद नगर में मिलेगी, नटराज टाकिज के पास में। ये नटराज टाकिज इधर बनी हुई है, इसके जस्ट बगल में आपको शॉप मिलेगी। तो चलिए दिखाते हैं लोकेशन। तो ये जो रोड आ रही है चावला मार्केट से आ रही है, चावला मार्केट से जा रहे होंगे नटराज टाकिज के लिए। तो नटराज टाकिज से जस्ट पहले ये शॉप को आपको राइट हैंड में मिलेगी। और जैसे ही नटराज टाकिज की तरफ से जा रहे हैं चावला मार्केट के लिए, तो ये जो शॉप है आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी। और फेमस लैंडमार्क यही है कि नटराज टाकिज ये बना हुआ भाई बगल में, और उसके जस्ट बगल में आपको शॉप मिलेगी। तो गाइस चलिए शॉप पे चलते हैं, तो देखते हैं आज हम लोग यहाँ क्या ट्राई करेंगे। So guys, चलिए शॉप पर आ गए दिल्ली पेट पूजा और बर्गर पाव भाजी के लिए। तो अंकल जी से बात कर ले। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। और फिलहाल आपने ये नाम क्या सोच के रखा, दिल्ली पेट पूजा और बर्गर पाव भाजी? दिल्ली पेट पूजा, दिल्ली से आया था। दिल्ली से आए आप, तो पेट पूजा मतलब पेट पूजा कैसे हुई? सुबह बहुत ही दिल्ली पेट पूजा सुबह। पेट पूजा सुबह होती है और शाम को बर्गर पाव भाजी, मतलब सुबह पेट पूजा करा देते हैं, शाम को बर्गर पाव भाजी करवा देते हैं। और वैसे क्या क्या अवेलेबल है आपकी शॉप पर? अभी सुबह छोले कुलचे मिलते हैं दिल्ली में, शाम को बर्गर पाव भाजी। शाम को बर्गर पाव भाजी। और टाइमिंग क्या वैसे आपकी शॉप की? सुबह 10 से 4 छोले कुलचे। अच्छा, शाम को 6 से 11 है। और वैसे बर्गर पाव भाजी का प्राइस क्या है आपकी? बर्गर 25 रुपए, पाव भाजी 40 रुपए। 40 रुपए। आज हमें क्या खिलाएंगे आप? जो दिल करेगा आपका। अरे हमारा दिल तो जो करेगा आप बर्गर खिलाएंगे। तो बर्गर का प्राइस 25 रुपीज़ है। हाँ जी। तो चलिए गाइस, आज हम लोग अंकल का बर्गर खाने वाले हैं। और दिल्ली पेट पूजा जैसे कि नाम है इनका, तो इनका पेट पूजा वाला जो आइटम है वो सुबह मिलता है और शाम को बर्गर और पाव भाजी खिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं बर्गर की मेकिंग और उसके बाद खा के आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। और इनका बर्गर 25 रुपीज़ का है, तो चलिए देख लेते हैं मेकिंग। और पाव भाजी भी है तवे पे, आप देख सकते हैं भाजी रखी हुई है, गर्म हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो अंकल की पाव भाजी भी ट्राई करेंगे और पेट पूजा वाला जो इनका आइटम सुबह मिलता है वो भी ट्राई करने वाले हैं किसी दिन। तो चलिए देखते हैं पहले बर्गर की मेकिंग, फिर खा के आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस, चलिए अपने बर्गर की मेकिंग होने जा रही, तो देखते हैं। ये आ गई बर्गर वाली टिक्की। गाइस ये आ गया अपना बन बर्गर वाला। हाँ, ये बर्गर रखा है, गरम कर रहे हैं।시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 सो गाइस देखिए अपने बन जो हैं वो सेक दिए गए हैं, अब टिक्की आने वाली बाहर और बर्गर होने वाला अपना रेडी। और ये अंकल हरी चटनी है? हाँ जी, खुद से बनाई हुई। हाँ जी, अपने हाथ की बनाई हुई। और ये आ गया प्याज, ये प्याज, ये आ गया टिक्की, ये सॉस, ये टमाटर, और ये टमाटर हो गया, ये पत्ता हो गया, और ये हो गया कैबेज, और ये मायोनीज। अब ये मायोनीज आ गई। तो गाइस रेडी हो चुका अपना बर्गर, तो चलिए खाते हैं फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस फाइनली रेडी हो गया आ चुका अपना बर्गर। और यहाँ पर जैसे कि पाव भाजी और मॉर्निंग में पेट पूजा वाला आइटम मिलता है,
तो चलिए ट्राई करते हैं अंकल का बर्गर। और कैबेज वगैरह देख रहे हैं आपने अच्छे खासे तरह से डाला गया है, और मेयोनीज और टिक्की फ्राई करी गई है, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। बर्गर तो यमी लग रहा है। तो चटनी, जैसे कि आपने देखा होगा बर्गर में काफ़ी जगह पर चटनी जो यूज़ करी जाती है वो चिली होती है, चिली केचप होता है, लेकिन इन्होंने जो चटनी डाली है वो इनकी होममेड वाली है, तो उस वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा आया। और तीखी भी है, ऐसा नहीं है नॉर्मल हो, तीखी है। और टमाटो केचप डाला गया है, और अनियन और टमाटो वगैरह तो पड़ता ही है, तो उस वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा। लेकिन जो इनकी बर्गर की खासियत वो यही है मेन, कि इनकी होममेड वाली चटनी यूज़ करी गई, उस वजह से बर्गर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, और मेयोनीज़ भी यूज़ करी गई। तो ठीक है, चलिए फाइनली फिनिश करते हैं अपना बर्गर। आप भी आइएगा ट्राई करने, यहाँ पर नटराज टाकीज़ के पास आपको शॉप मिलेगी अंकल की। और पाव भाजी 40 रुपीज़ की है, बर्गर अपना 25 रुपीज़ का है, लेकिन जो इनकी चटनी की खासियत है वही बर्गर को इनके यूनिक टेस्ट दे रही है, तो काफ़ी हट के टेस्ट लगा। आप भी आइएगा ट्राई करने। तो चलिए फिनिश कर लेते हैं अपना बर्गर फ़िलहाल हम लोग। सो गाइस, फाइनली हम लोग ने फिनिश कर लिया दिल्ली पेट पूजा बर्गर, पाव भाजी वाले का बर्गर, और टेस्ट वाकई अच्छा लगा। आप भी ट्राई करने आइएगा। जो इनकी मेन खासियत है वो ये है कि जो इनकी होममेड वाली चटनी है ग्रीन वाली, वो तीखी भी है, तो आप अगर ज़्यादा तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो कम डलवाइएगा, न झेल ना पाए तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, आप भी आइएगा ट्राई करने, बर्गर खा लीजिएगा, पाव भाजी तो बर्गर मैंने ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे पाव भाजी भी ट्राई करेंगे हम लोग, मतलब बोले तो यमी है, बहुत ही टेस्टी बनाया था। आप भी आइए ट्राई करने। तो ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो मुक्का मार के नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट व्लॉग में।